हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। याद कीजिए हिंदी सिनेमा का 80 का दौर। एक नन्ही सी बच्ची हर दूसरी फिल्म में अपनी बेजोड़ अदाकारी से लोगों को अपना बना लेती थी। वो बच्ची बेबी गुड्डू के नाम से मशहूर थी। कभी सोचा है कि इतनी शोहरत होने के बाद भी वो अचानक कैसे गुमनाम हो गई? असल में परिवार के एक फैसले ने उसका अच्छा खासा करियर बर्बाद कर दिया था। चलिए हम आपको बेबी गुड्डू की पूरी कहानी और अब वो किस हाल में है इसकी जानकारी देते हैं। पुरानी हिंदी फिल्मों में बेबी गुड्डू या बेबी गुड्डो अपने भोले भाले चेहरे से सबका मन मोह लेती थी, मगर कुछ लोगों को तो उसका असली नाम तक पता नहीं होगा। असल में वो एक मुस्लिम परिवार से है और उसका असल नाम शाहिंदा बेग है। साल 1980 में बंबई में पैदा हुई थी शाहिंदा फिल्म मेकर एम बेग के घर में। पिता भले ही फिल्म लाइन से जुड़े थे, मगर उन्होंने कभी अपनी बच्ची को सिनेमा में भेजने की नहीं सोची थी, मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। हुआ ये कि एक्ट्रेस किरण जुनेजा की नजर एक बार बेग साहब की बच्ची पर पड़ी। उसकी भोली सी सूरत देखते ही उन्होंने कहा कि इतनी प्यारी बच्ची को तो सिनेमा में होना चाहिए। उन्होंने परिवार को राजी किया और शाहिंदा की सिनेमा में एंट्री हो गई। फिल्मों के लिए मासूम सी बच्ची का नाम रखा गया बेबी गुड्डू। लोग भी शायद उसी का इंतजार कर रहे थे। हिंदी सिनेमा में कदम रखते ही वो छा गई। औलाद, समुंदर, परिवार, घर घर की कहानी, मुलजिम और नगीना जैसी कितनी ही हिट फिल्मों के जरिए उसका करियर सातवें आसमान पर पहुंच गया था। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार तो अपनी फिल्म में बेबी गुड्डू को जरूर शामिल किया करते थे। बड़ी बड़ी हीरोइनों के बचपन का किरदार तो पहले से ही डायरेक्टर उनके नाम लिख दिया करते। राजेश खन्ना तो बेबी गुड्डू को इतना पसंद किया करते थे कि उनके लिए एक टेलीफिल्म तक बना दी थी। नाम था आधा सच आधा झूठ। इसमें बेबी को लीड रोल दिया गया था। वैसे बेबी गुड्डू सिर्फ लड़की ही नहीं बल्कि लड़कों के किरदार भी निभाया करती थी। उनका करियर इतना अच्छा चल रहा था कि उस दौर में कई हीरोइनों से ज्यादा तो उनकी फीस हुआ करती थी। इतना ही नहीं, विज्ञापन की दुनिया में भी उनका खूब नाम हो गया था। टूथपेस्ट से लेकर कोल्ड ड्रिंक के विज्ञापनों में भोली सी लड़की का चेहरा तो लोग आज भी नहीं भूल सके। मगर दोस्तों, फिर अचानक क्या हुआ कि इतनी मशहूर बाल कलाकार एकदम से गुमनाम हो गई। 1991 में वो आखिरी बार घर परिवार फिल्म में नजर आई, फिर गायब हो गई। असल में इसके पीछे उनके परिवार का एक फैसला था जिसने उनका फलता फूलता करियर तबाह कर दिया। हुआ ये कि जब वो 11-12 साल की हुई तो परिवार वालों ने उन पर एक्टिंग छोड़ने का दबाव बनाया और बेबी गुड्डू को पढ़ाई पर ध्यान लगाने को कहा। परिवार की बात मानकर उन्हें अपना पीक पर चल रहा करियर छोड़ना पड़ गया। इसके बाद उनकी पढ़ाई तो पूरी हो गई, मगर वो दोबारा कभी बॉलीवुड में वापसी नहीं कर पाई और परिवार के एक फैसले ने उनका करियर बर्बाद कर दिया। बेबी गुड्डू यानी शाहिंदा बेग अब 42 साल की हो चुकी है। फिल्मी करियर बर्बाद होने के बाद उन्होंने एयरलाइंस की नौकरी को चुन लिया। अब वो मुंबई छोड़कर दुबई में रहती हैं और दुबई एयरलाइंस में नौकरी कर रही हैं। वैसे उन्होंने शादी भी कर ली है, उनके पति का नाम अब्दुल है। मगर ये सच है कि परिवार की जिद ने बेबी गुड्डू जैसे बॉलीवुड के उभरते सितारे को गुमनाम कर दिया। दोस्तों, आपको बेबी गुड्डू की कोई फिल्म या रोल याद हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और रोचक स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।